कॉटन बेल एक ऐसा सबका चहिता पसंदीदा प्रोडक्ट जो इंडिया से होता है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट। वी आर द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन कॉटन बेल। तो कॉटन आप एक्सपोर्ट करके कैसे 5 लाख रुपए कमाएंगे, इसी वीडियो में आपको पूरा रिवील करने वाला हूँ। सभी कुछ आपको बताऊंगा, कहाँ से आपको खरीदना है, कहाँ इसको बेचना है, कितने में बेचना, कैसे बेचेंगे, पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए हैं। बहुत घंटों की मेहनत करके 10 मिनट का एक कंटेंट हम आपके लिए रेडी करते हैं, जो हमारी टेक्निकल टीम इसमें काम करती मेहनत करके आपके लिए लेके आती है, ताकि आपका टाइम सेव हो। इसको आप ध्यान से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यही बात कर लेता हूं कि यहां से जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से कॉटन बेल आप एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे तो हम विश्व में नंबर 3 पे हैं उसका रोल बना के, जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं आप यहां पीछे देख भी सकते हैं। सो गवर्नमेंट कुछ आपको बेनिफिट्स भी देती है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी इंडिया में कमा के लेके आते हैं, डॉलर्स इंडिया में आते हैं, इसलिए भारत में जो डॉलर आते हैं फिर से ये सुनहरी चिड़िया बनती है, गोल्डन बर्ड बनने के चांसेस करती है। सो गवर्नमेंट कुछ आपको इसमें इंसेंटिव देती है, कुछ बेनिफिट देती है, ताकि आप इसमें काम करते रहें और इसमें आपको प्रोत्साहन मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। तो गवर्नमेंट के बेनिफिट में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो डीबीके कितना मिल रहा है, डीबीके आपको यहां पे मिल रहा है 0.5%, जबरदस्त डीबीके आपको मिल रहा है 0.5% ऑफ योर कमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कमर्शियल इनवॉइस वैल्यू जितना भी है उसका 0.5% आपको मिल रहा है डीबीके। अगर मैं आईईएस की बात करूं यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो वो 3% आपको मिल रहा है। अगर मैं आरओडीडीपी की बात करूं, रोड टेप रिमेनेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो आपको यहां पे आरओडीडीपी 3.10% मिल रहा है। नॉर्मली अगर हम देखें तो आरओडीडीपी यहां पे 0.15%, 1%, 1.5%, 1.2%, लेकिन इस प्रोडक्ट में जबरदस्त आपको आरओडीडीपी मिल रहा है 3.10%। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा यहां से कॉटन एक्सपोर्ट हो, और हम नंबर 3 पे हैं, तो कैसे हम नंबर 2 या नंबर 1 पे हम आ सके, इसमें गवर्नमेंट का भी प्रयास कंटिन्यूस बना हुआ है और आप भी इसमें कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए। जीएसटी ओनली 5% लगता है, जो कि एक्सपोर्ट करने पर आपको रिफंड हो जाता है। आगे बात करते हैं, उससे पहले बता दें बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं। 17 सालों में जो हमने करके सीखा है वो कुछ ही दिनों में आपको पूरा सिखा देते हैं, आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे 5 लाख रुपए कमाएंगे A to Z, इसी स्लाइड में आपके लिए लेके आप इसको ध्यान से जरूर देखना। जब आप इसको इंडिया से बाय का एवरेज प्राइस लेके चलते हैं कि 90 रुपीज से 150 रुपीज पर केजी के भाव से आपको कॉटन बेल आराम से मिल जाता है। अब हम इसमें मैक्सिमम प्राइस लेते हैं कि 150 रुपीज पर केजी भी आपने इसको खरीदा और 25 टन का पूरा एक कंटेनर आपने खरीद लिया जो 40 फीट के कंटेनर में आता है, सो वो आ जाता है आपका 37.50 लाख रुपीज का आपका पूरा कंटेनर आ जाता है। और 1 लाख रुपए के हमारे खर्चे होते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे जैसे लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा या गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा या ट्रांसपोर्टेशन का, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, ये सब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, किसी में 70,000, किसी में 80,000, किसी में 90,000, किसी में 1 लाख, किसी में 1,20,000, तो एक ऑन एन एवरेज में 1 लाख रुपए कंसीडर करता हूं इजी कैलकुलेशन के लिए, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जल्दी समझ में आ जाए, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेटर लेके बैठने की जरूरत ना पड़े। सो कुछ गवर्नमेंट के इसमें बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, वो कितने मिल रहे हैं, जैसे आपको जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा है, डीबीके का बेनिफिट मिल रहा है, आरओडीडीपी का आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो टोटल बेनिफिट्स यहां पे आपको 8.60% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8.60% गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको यहां पे मिल। मॉनेटरी फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो आपको 3.22 लाख रुपीस के मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 3.22 लाख रुपीस के गवर्नमेंट के आपके बेनिफिट मिल रहे हैं। अब फाइनल बाइंग प्राइस मेरा कितना हो गया, बाइंग प्राइस यानी 37.5 लाख रुपीस प्लस 1 लाख रुपए जो मेरे खर्चे हुए हैं और माइनस जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मुझे मिलने वाले हैं, सो वो 3.22 है, माइनस 3.22 मैंने कर दिया, इजिकल्स टू हो जाता है 35.27 लाख रुपीस। मेरा फाइनल जो बाइंग प्राइस हो गया है वो हो गया 35.27 लाख रुपीस। अब ये सेल कितने में हो रहा है, इसका एफओबी प्राइस क्या है, कितने में लोग इसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं इसको, सो बेसिकली जो इसका सेल प्राइस है 165 रुपीज से 200 रुपये पर केजी इसका एफओबी प्राइस आता है
फ्री ऑन बोर्ड प्राइस जो है इसका। अब इसमें हम मिनिमम प्राइस भी लेके चलते हैं कि भाई आपने 150 रुपये में खरीदा और 165 रुपये में इसको बेच दिया, मतलब बहुत ओनली 15 रुपये के मार्जिन पर केजी के मार्जिन पे आपने इसको बेचा, उतना तो बेच पाओगे ना, 50-50 रुपये पर केजी का मार्जिन लोग लेते हैं इसमें, आपको तो ये बात पता ही है। सो 15 रुपये के मार्जिन से भी आप इसको बेच रहे हैं, 165 रुपये पर केजी के हिसाब से भी आपने इसको सेल किया, एक कंटेनर आपने सेल कर दिया तो वो 41.25 लाख रुपीज का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 41.25 लाख रुपीज का हो जाता है। अब इसमें नेट मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ सर, वो तो बताओ। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हो गया आपका 41.25 लाख रुपीज माइनस 35.27 लाख रुपीज जो मेरा फाइनल बैंक प्राइस था, इज इक्वल्स टू हो जाता है 5.97 लाख रुपीज। 5.97 लाख रुपीज यानी ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए हर महीने कॉटन बेल आप एक्सपोर्ट करके कमा सकते हैं। हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर भी इससे 5 लाख रुपए कमा सकता है। अब एक्सपोर्ट कहाँ करूँ वो तो बता दीजिए सर। तो एक्सपोर्ट आप करेंगे इसके जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, कहाँ पे इसकी डिमांड है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले पायदान पे आता हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना ने एज पर वोल्जा डाटा लास्ट ईयर खरीदे 55,311 शिपमेंट लास्ट ईयर खरीदे हैं। वियतनाम, ये भी हमारी पास की कंट्री, वियतनाम को टारगेट कर सकते हैं। वियतनाम भी पीछे नहीं है, वियतनाम ने 50,286 शिपमेंट्स खरीदे हैं और वो हमसे खरीदेगा क्योंकि हम पास में कंट्री है। यूएसए वगैरह से खरीदेगा तो दूर पड़ेगा, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमसे ज़्यादा खरीदता है। पाकिस्तान भी खरीदता है, 29,999 शिपमेंट लास्ट ईयर पाकिस्तान ने भी खरीदे, उनको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप टर्की ने 17,416 शिपमेंट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किए, इंपोर्ट किए, उनको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडोनेशिया ने भी 17,000 शिपमेंट लास्ट ईयर इंपोर्ट किए, आप इंडोनेशिया को भी टारगेट कर सकते हैं जो कि वो भी पास की कंट्री, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब आप एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, एचएस कोड तो आपको लगता ही लगता है। सो ये 52 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 01 है, तो एचएस कोड क्या बन जाता है 52 यानी 52010000, इसको आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट के प्रोसेस की बात करूं कि सर एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है, तो सभी प्रोडक्ट के लिए लगभग सेम होता है कि पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, फिर आपको बायर फाइंड करना। बायर फाइंड करने के लिए जो 15 मेथड्स आपको ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं वो सारे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। और अगर वो भी आपको लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है और मेरे पास उतने टाइम की कमी है, टाइम उतना मेरे पास नहीं है, मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो आप हमारी तरह वोल्जा का डाटा ले सकते हैं। हमने भी वोल्जा का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप भी वोल्जा के साथ में जा सकते हैं, वोल्जा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर भी आप ले सकते हैं, वो थोड़ा आपको सस्ता पड़ता है। अगर मैं बात करूँ कि जब आपने वोल्जा से बायर फाइंड कर लिया, फिर आपको बायर को वेरीफाई करना है, इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपको ट्रेनिंग में सारी ट्रिक्स सिखा रखी, वो सारी ट्रिक्स जो है, जो फंडामेंटल ट्रिक्स है, वो सारी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए बायर को वेरीफाई करने वाली। फिर उसके बाद आपको बायर को कन्विंस करना है, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, आपसे क्यों खरीदूं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी, आपका प्राइस बहुत अच्छा, या फिर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, या फिर आपका रिलेशन बहुत अच्छा, या फिर आप किस तरीके से लोगों से व्यवहार बनाते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, अपना नेटवर्क ग्रोथ करते हैं। सो बायर को कैसे कन्विंस करना है, वो जो सारी आपको ट्रिक्स ट्रेनिंग में सिखा रखी सारी ही आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए और देखिए आपका बायर इजिली कन्विंस हो जाएगा। और जब आपका बायर कन्विंस हो जाए, उसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, पैसा ले लीजिए। ये प्रोडक्ट ऐसा है कॉटन बेल की, इसमें आपको एडवांस पैसा भी मिल जाता है, और पैसा मिल गया तो फिर कर दीजिए उसका BRC, जो कि आजकल होता है EBRC, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि आजकल होने लगा है IRMS यानी इनवर्ट रिमिटेंस मैसेज, जो कि आजकल बैंक से हमें तो आता ही था, एक्सपोर्टर को तो आता ही था, अभी बैंक से डायरेक्ट DGFT को भी जाएगा। उससे क्या होगा कि जो बैंकिंग का लोड है वो भी कम होगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। कैसे पैसे बचेंगे कि आप EBRC खुद से जनरेट कर सकते हैं और उसको फिर आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए एक डेडिकेटली वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करूँ कि सर इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लगने वाली है, तो उसमें लगेगा द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी टेक्सप्रोसिल, जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट मात्र 12,980 रुपये देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसीजर रहता है, एक हफ्ते में आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं टॉप कंपिटिटर कंट्रीज की बात करूँ, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइजिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे USA आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो मैं राज्य की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। सो USA ने
ने लास्ट ईयर एज पर वोल्जा डाटा, यूएसए ने लास्ट ईयर 260,667 शिपमेंट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया। नंबर टू पे ब्राजील आता है, ब्राजील हमारा शुगर में भी कंपिटिटर है और यहाँ भी कंपिटिटर है, तो ब्राजील ने 13,000 शिपमेंट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किए। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया, भारत ने 3,800 शिपमेंट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किए, मैक्सिको ने 570 एक्सपोर्ट किया और युगांडा ने 184 शिपमेंट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप? देन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग, अवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523। थैंक यू, कॉल नाउ।